सभी को कैसे हैं सभी लोग। तो जैसा कि आप लोगों को इंतजार था कि फिटर की क्लास कब होगी, तो ये जो आपके लास्ट 5 डेज हैं इसमें आप फिटर के अपने टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। आप भी जानते हैं कि आप फिटर एक ऐसा सिलेबस होता है जिसको बाबू बहुत जल्दी तो नहीं सीखा जा सकता है, लेकिन जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन बहुत बढ़िया तरीके से हर एक एक चीज पर, हर एक एक मुद्दे पर बात आपसे करूं। एक बार पहले सभी लोग जल्दी से गुड इवनिंग के साथ एक मैसेज, प्यार वाला गुड इवनिंग कर दीजिए, और वीडियो को लाइक, सेशन को शेयर, एक बार कमेंट करके बताइए कि रेडी हैं, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बाकी टेक्निकल बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, आपको ही पता है कि इतना आसानी से अगर टेक्निकल समझ में आ जाए तो फिर ये टेक्निकल टेक्निकल ही क्या। जिस सेगमेंट को खाली क्वालिफाइंग पेपर रखा जाता है और उस सेगमेंट को टफ ना किया जाए तो फिर क्या। और आपके मार्क में तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा मार्क्स जो आपके जुड़ेंगे वो आपके फिटर सेगमेंट से जुड़ेंगे, बाकी तो वो क्वालिफाइंग है। एक बार पहले सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। और आप एक बात जानते ही भी हैं कि अगर आप लोगों को कंप्लीट ऑनलाइन बैच चाहिए तो बच्चे आप जुड़ सकते हैं कोर्स में। आप लोगों को देखिए रिकॉर्डेड क्लास, अनलिमिटेड व्यू, टॉपिक वाइज शीट और मटेरियल एंड नोट्स भी आपको मिलेंगे। और आप कॉल किस पे कर सकते हैं, 6307523626 पे आप कॉल करके जोड़ सकते हैं। तो एक बार पहले सभी लोग जल्दी से वेट ना कराते हुए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और एक बार सभी लोग बताइए भी सभी लोग रेडी है ना। दूसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जैसे कि आपको पता है कि ये भाभा सीरीज जो है ये जो फिटर का सेगमेंट है, अब आपको ये सेगमेंट कब कब देखने को मिलेगा, 6, 7, 8, 9 और 10, इसमें आप लोग लगभग टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कि 100, 200, 250, मतलब 250 क्वेश्चन मेरे साथ आप जुड़ेंगे। और मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि अगर आप ये 250 क्वेश्चन देख लेंगे ना तो आपके मार्क में लगभग जो 50 क्वेश्चन जो आने हैं ना वहां से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, ये गारंटी है। इस 250 में से मैं आपके लगभग 50 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट के मैच करवा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। चलिए तो टॉप 50 क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं आपके सामने है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मैं आपको टाइम दूंगा बकायदा, आप उसमें हेडक ना लीजिएगा कि आपको टाइम नहीं मिल, क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, चलिए भाई, हेलो 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 हेलो, बताइएगा। पहला क्वेश्चन है सी, देखिए तो आप एक बात जान लीजिए कि आग के आप लोगों के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे, टाइप ए की आग। चलिए एक काम कर लेते हैं हम लोग, ऐसे ले लीजिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो टाइप्स ऑफ फायर में पहले आपका फायर ए, फायर बी, फायर सी, फायर डी, ठीक है ना। कमेंट इतना, ये 4 आपके प्रकार की फायर होती है, मतलब अगर आपसे पूछे टाइप्स ऑफ फायर तो बच्चे आप लोग कमेंट करके दे दीजिएंगे 4, तो क्वेश्चन का तो ऑप्शन आपसे आपका निकल गया। अच्छा एक बार कमेंट करके बताएंगे टाइप ए की फायर को किस नाम से जाना जाता है, या टाइप ए की फायर किस कैटेगरी में आती है, एक बार कमेंट करके बताओ कि टाइप ए की फायर आपकी किस कैटेगरी में आती है। तो ध्यान रखिएगा जो आपकी लकड़ी से लगने वाली आग होती है, लकड़ी से लगने वाली आग, लकड़ी से लगने वाली जो आग होती है वो आपकी कौन सी होती है, टाइप ए। और इसको कार्बोनेशियस फायर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, कार्बोनेशियस फायर, ठीक है। अच्छा क्लास डी की फायर कौन सी, अच्छा क्लास बी की फायर बताओ कौन सी होती है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए क्लास बी की फायर कौन सी होती है, जल्दी बोलिए,
क्लास बी की फायर। भाई देखिए मैं आपके साथ चलूंगा और मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, मतलब जो जितने अभी आपसे सवाल पूछते हैं सेफ्टी से रिलेटेड या जितने हैं, हाँ यानी कि तेलिए जो तेलिए जो तेल से आग लगती है, यानी कि तेलिए से लगी आग है ना, तेल से लगी आग और इसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्यूशर, फोम फायर एस्टिंग यूजर, ठीक है ना, फोम फायर एस्टिंग यूजर, ठीक है। अच्छा डी की कौन सी आग होती है एक बार कमेंट करके बताओ। तो डी की जो होती है बच्चे जो विद्युत से लगती आग है, मतलब विद्युत से लगी आग, विद्युत से जो लगी आग होती है बच्चे वो आपकी कौन सी होती है, जो विद्युत से लगी आग होती है बच्चे वो होती है आपकी कौन सी, विद्युत से लगी आग जो होती है बच्चे वो आपकी होती है, और इसको बुझाने के लिए हम लोग बच्चे किसका यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा सीटीसी, किसका सीटीसी, क्या फुल फॉर्म होती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या होती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना, क्लियर है भाई इतनी बात, हाँ या ना के साथ कमेंट करके बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जल्दी से। अच्छा अब एक सवाल और, बस ये और बता दो मुझे ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया, ये बता दो फायर सी की कौन सी आग होती है, जैसे कि आप जानते हो ना, क्लियर है। चलिए अब मुझे ये और बता दीजिए कि फायर सी की कौन सी आग होती है, कमेंट करके बताओ भाई, फायर सी की आग तो बताओ, हाँ हैलोजन के नाम से भी, इसको हैलोजन के नाम से भी जाना जाता है, हाँ गैस से लगी आग, गैस से लगी आग बच्चे, इसमें पता है क्या होता है, आपको पता है इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन को हम लोग रुकावट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को रोकना, बोलिए समझ में आ गया, बस जैसे कोई आग लगती है तो उसके ऑक्सीजन को बच्चे आपको रोकना होता है, तो ये आपका सवाल हो गया, बोलिए समझ में आ गया, एक बार कमेंट करके बताइए, ये चार तरह की आग जो मैंने आपको बताई है क्या ये आपको आग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है भाई, एक बार कमेंट करके बताओ, है ना, सूखी आग, ठीक है, ये चार तरह की फायर आपको जो मैंने बताई क्या समझ में आया, तो इस तरीके से बताऊंगा, लेकिन भाई जब आप सबसे ज्यादा लाइव आओगे इस तरीके का पढ़ाने के लिए ना, आप कहीं भी पूरा छान आना, मतलब ये डीप बहुत स्टडी है, मतलब ये समझ लीजिए अब आपसे कुछ भी पूछेगा और आप ये मान के चलो कि 2 मार्क्स का आपसे यहां से सेगमेंट पूछना है, ये आप लिख के रख लो कि जो आप बार का पेपर देने जाओगे, मेरी बात को चाहे रिकॉर्ड कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, कि जो आप अपना पेपर देने जाओगे 2 मार्क्स का आपसे इसी सेगमेंट से पूछेगा, मतलब टाइप्स ऑफ फायर से, या तो वो ये पूछ लेगा कि क्लास ए की फायर कौन सी होती है, या आपसे ये पूछ लेगा क्लास बी की फायर कौन सी होती है, या आपसे ये पूछ लेगा क्लास सी की फायर कौन सी होती है, ये पूछ सकता है क्लास डी की फायर कौन सी होती है, लेकिन वो आपसे कोई भी कैटेगरी की फायर और वो किससे लगती है ये भी पूछ सकता है, और वो उसके बुझाने के लिए क्या क्या यूज होता है वो ये होता है, ठीक है। तो ये क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, यस क्लियर हो गया। चलिए तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, तो बच्चे अब आप यहां पर आंसर क्या मार दे रहे हैं, 4 ऑप्शन क्या लगा देंगे, 4 4 यानी कि सी ऑप्शन, मुझे लगता है पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा वाला, अब तो भाई आप सभी लोग बता सकते हैं कि क्लास ए की फायर कौन सी होती है, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि क्लास ए की जो फायर होती है बच्चे वो कौन सी होती है, लकड़ी से लगने वाली आग, मतलब जो भी आपकी वुड से है ना, आग प्लास्टिक से जो भी आग लगती है बच्चे, उसको आप लोग कौन सी फायर को नाम ले देते हैं, क्लास बी फायर, कौन सी फायर, क्लास बी फायर। चलिए समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, एक बार कमेंट के साथ बताइए, लकड़ी प्लास्टिक इस तरीके से, और बच्चे इसको कौन सी बुझाने के लिए, इसके नाम से कार्बोनियस फायर, ठीक है ना, कार्बोनियस फायर, ठीक है। ठीक है चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है आपसे, क्लास बी में लगी आग कौन सी होती है, चलिए बताइए भाई क्लास बी में लगी आग कौन सी होती है,
हाँ, क्लास बी में लगी आग कौन सी होती है? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, देख लो, तेल से लगी आग, तो तेल वाला आपका आंसर हो जाएगा। अरे तरल पदार्थ, तेल से लगी आग हो जाएगा आपका आंसर, लिक्विड, ठीक है ना? बोलो समझ में आया भाई? थर्ड का सी आपको समझ में आ गया एक बार कमेंट के साथ। और अभी आपको बताया ना मैंने डी, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि क्लास डी में लगने वाली जो आग होती है बच्चे, इसको बुझाने के लिए हम लोग सीटीसी का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी इसकी फुल फॉर्म हमेशा 100% है कि आपसे फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि सीटीसी इसका आपका नाम होता है, यानी कि आपको ये वाली। और विद्युत से लगी आग याद रखिएगा, विद्युत से लगी आग, बिजली से बहुत पूछता है, विद्युत से लगी आग। अभी आपका एएलपी का पेपर हुआ था उसमें भी कई बार पूछा था 18 में, अभी आपका बार का पेपर होगा वहां भी आपसे पूछेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि विद्युत से लगी आग जो होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से लगी जो आग होती है वो आपकी किसमें आती है बच्चे, क्लास डी की फायर में। कमेंट करके बताओ कि बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो है ना? और इसको बुझाने के लिए बच्चे कार्बन, और इसी को बच्चे हम लोग हेलोजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेलोजन के नाम से भी हम लोग बच्चे इसको जानते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बात चौथे क्वेश्चन के साथ मुझे कमेंट करके बताओ, समझ में आया है ना? और एक तो देखिए बच्चे, अब ये वाला सवाल है, देखिए बच्चे इसके लिए पोस्टमार्टम तो करना चाहिए ना बच्चे। चलो देखो, किलोमीटर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ये आपको इस तरीके का जो सीक्वेंस है ये आपको दिया गया है, मतलब ये एक सीक्वेंस होता है। अब आप कहेंगे सर जी हमें ये इसका यूज कैसे करना है, मतलब इसका यूज देख लीजिए कैसे आपको करना है। यूज देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं अगर नीचे की तरफ जाना होता है, याद समझिएगा, अगर आपको नीचे की तरफ जाना है तो आप मल्टीप्लाई उतने जीरो से करेंगे, अगर आपको नीचे जाना है तो आप उतने ही मल्टीप्लाई उतने जीरो से करेंगे, और अगर आपको ऊपर जाना होता तो उतने ही मल्टीप्लाई आप उतने ही जीरो से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक किलोमीटर में, जैसे बच्चे मैं आपसे कहूं कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मान लीजिए, तो देखिए एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर, मतलब एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यह बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। अब जैसे मैं कहूं एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मैं आपसे कहूं एक मीटर में कितने एमएम होते हैं, मिलीमीटर होते हैं, तो देखिए एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, तो इसका मतलब यहां पर आपका 3 जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ गई है ना जी? अब आपसे कह रहा है एक मीटर में कितने डेसीमीटर, एक मीटर में कितने डेसीमीटर भैया है, भैया तो एक मीटर से कितने डेसीमीटर, तो आप एक ही जीरो तो नीचे गए हो भाई। अरे बोलो, एक मीटर में अगर आप ऐसे जाओगे, एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आप एक ही जीरो गए हैं, यानी कि आपका आंसर 10 हो जाएगा। भाई बताइए क्या समझ में आया विद एक्सप्लेन, एक बार कमेंट करके बताओ विद एक्सप्लेन आपको समझ में आया। और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मतलब जो फिटर का आपका जो क्लास होगा, मतलब मैं एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन भाई आप जब प्रेजेंट रहोगे, जब लाइव रहोगे, तभी तो, ऐसे थोड़ी ना है ना भाई, फिर तो ऐसे वही वाली बात हो गई, बिना मेहनत, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लाइव नहीं हो। बोलो बोलिए, समझ में आ गया? एक बार कमेंट के साथ, लाइक के साथ तो बताइए है भाई, तभी तो भाई मैं उतनी स्पीड से चलूंगा। समझ में आ गए 500 क्वेश्चन, मतलब पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो जैसे नीचे जाएंगे उतने ही आप जीरो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जितने ही आप ऊपर जाएंगे उतने ही आप जीरो से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। एक बार यस नो के साथ कमेंट करके, आया ना समझ में आ गई? चलिए, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चे। अब देखो बच्चे, इसमें भी आप लोगों को जब आप यूनिट कन्वर्जन वाला मेथड पढ़ेंगे, कौन सा, यूनिट कन्वर्जन वाला,
जब आप यूनिट कन्वर्जन वाला पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा, लेकिन यहां पर आप याद रखिए इसको डायरेक्टली कि भाई देखिए इसका भी प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन आप याद रखिए ये सवाल आपका कहां पूछा गया है, ये सवाल बच्चे आपका आरआरबी एएलपी मैं जितने भी सवाल लेके आया हूं बच्चे ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आईटीआई सीटीआई आईटीआई में, ठीक है ना। तो बार्क में भी इसका सवाल आपसे पूछा जाना है, एकदम ये मान के चलिए बहुत प्यार। ये तो साइंस का भी सवाल है बच्चे कि एक किलो वाट घंटा में, देखिए बच्चे एक किलो वाट घंटा में, और याद रखिएगा आपसे ना ये भी पूछेगा कि जो यूनिट वाली होती है ना वो भी आपसे पूछ सकता है, मतलब यूनिट, ठीक है ना, और वो भी आप पढ़ के जाइएगा यूनिट, क्योंकि दो से तीन सवाल आपके वहां से भी आपसे पूछ सकता है यूनिट कन्वर्जन से, ठीक है। तो किलोवाट घंटा क्या होता है, सीधी बात है 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6 जूल, है ना। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 जूल, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब मुझे दो सवाल और बता दो, वो भी आपसे कभी कभी पूछ लेगा, पूछ लेगा एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, चलो ये आप आंसर बता दो इसका, एक सवाल तो ये बता दो, ठीक है। एक न्यूटन में कितने डाइम होते हैं ये भी बता दो, और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं ये भी कमेंट करके बता दो। ये आपसे सवाल डायरेक्टली आपसे बताए पूछ सकता है डायरेक्टली, ठीक है। और मैं जितने आपसे सवाल करा रहा हूं कभी यहां से कभी वहां से, ये आप मान के चलो कि जितने आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं ना वो आपको कहीं ना कहीं आपके सेगमेंट में या किसी पेपर में आपको घुमा करा के पूछते मिल जाएंगे। बोलिए एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो भाई साहब हां बिल्कुल 746 वॉट, ठीक है। और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो याद रखिएगा 10 टू दी पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक है। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, ठीक है बच्चे। और ये वाला आप बच्चे कहां से पढ़ते हैं, ये वाला आप पढ़ते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, ये सेगमेंट आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको मिल जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा कितने लोग आईटीआई किए हैं, तो भैया आप लोग पढ़े होंगे ना वहां पर एक टॉपिक हुआ करता था कि वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, वो वाले टॉपिक मतलब आईटीआई में यहां पे आपको मिलेगा वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, आईटीआई में पढ़े हैं ना भैया वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, बोलो वर्कशॉप और कैलकुलेशन में पढ़े हैं ना, एक बार यार हाँ ना में जवाब तो दो भैया, सारे लोग मतलब है भाई इतना मतलब आपको मैं हर चीज घुस घुस के चल रहा हूं। अब यहां पे अगर ये सवाल आया तो ठीक है, नहीं तो भाई ये वाला आपको तीन सवाल आपसे पूछ लेगा, क्या दिक्कत है बता देंगे। चलो भैया मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का मापन किसमें, अरे बाप रे बाप। देखो भैया होता क्या है कि कभी कभी जब देखिए इसका, अब देखिए ये यहां से एक सवाल आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप यहां से इस सवाल को थोड़ा पोस्टमार्टम के तरीके से करना चाहेंगे ना भैया, देखें समझिएगा। ठीक है, एक होती है एमकेएस प्रणाली, एक होती है सीजीएस प्रणाली, और एक होती है एफपीएस प्रणाली, ठीक है। एक होती है भार की, यानी कि द्रव्यमान, सीधा द्रव्यमान रख सकते हैं भार नहीं दूरी रख सकते हैं इसको बच्चे आप, और लास्ट में बच्चे हम लोग समय रख लेंगे, क्या रख लेंगे समय, ठीक है। लास्ट में बच्चे हम लोग क्या रखेंगे समय, यहां से एक सवाल आपके 100% देखिए एमकेएस में दूरी को बच्चे हम लोग किसमें मापते हैं मीटर में, ठीक है, और सीजीएस में सेंटीमीटर में,
फुट, ये द्रव्यमान बच्चे आपका किलोग्राम, यहां पे आपका ग्राम और यहां पे बच्चे आपका पाउंड। अब एक बात थोड़ी सी सांस, अब आपको पता है समय तो आपका हर जगह कॉमन ही रहेगा, समय बच्चे आपका हर जगह क्या रहेगा कॉमन, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में बच्चे आपसे वो ये पूछे, बात समझिएगा, जरूरी नहीं है। अब यहां पर तो आपसे ये सवाल पूछ लिया क्वेश्चन में भाई, यहां तो आपसे मीट्रिक प्रणाली पूछ ली भाई, मीट्रिक प्रणाली का तो मैं आपको बता दिया ना क्या बच्चे, एमकेएस यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो यहां तो आप अपने आंसर को बता सकते हैं कि मीटर में आपका एमकेएस होता है ना भाई, एमकेएस, ठीक है ठीक है। तो यहां पर तो आप अपने आंसर को बड़े आराम से बता सकते हैं मीटर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात है, बोलो यार कोई दिक्कत की बात, किसी को एक्स वाई जेड, कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा, और भाई यार लाइक कौन कौन किया है एक बार सभी लोग। अब यहां पर बच्चे वो मीट्रिक प्रणाली को छोड़ के वो आपसे इनके बारे में भी पूछ लेगा, सीजीएस प्रणाली के बारे में पूछ लेगा, एफपीएस प्रणाली में, और एक होती है एसआई प्रणाली, ये भी आप जानते हैं ना, जैसे सिंपल है स्टैंडर्ड बोलते हैं, जैसे कि आप किसी दूसरे व्यापार के साथ अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको एसआई सिस्टम का फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। चलिए एम्पियर, लो भाई साहब एम्पियर का आपको बताना है, एम्पियर किसको नापने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसके लिए हो जाएगा वोल्टेज नहीं बच्चे, प्रतिरोध नहीं, पावर नहीं बच्चे, क्या हो जाएगा विद्युत धारा, यानी कि आप लोगों को करंट को मापने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चे, एम्पियर का। अच्छा एक ओम्स लॉ भी होता है याद रखिएगा, कौन सा होता है, एक ओम्स लॉ भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, ये क्या होता है वोल्ट करंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां से आपको यह बात समझ में आ गई, एक बार कमेंट, और रेजिस्टेंस की यूनिट बच्चे क्या होती है, इसकी यूनिट बच्चे क्या होती है, एक बार कोई कमेंट करके बताएगा, तो आप नहीं बताएंगे तो हम ही बता देते हैं ओम, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। और कभी कभी ना बच्चे ये किसमें पूछा था, आपके आरआरबी एएलपी में, बच्चे याद रखिएगा आपसे सवाल जो टेक्निकल में होते हैं ना वो आपसे बहुत डीप भी पूछ सकता है, नहीं तो घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई एक बार कमेंट के साथ। चलिए डॉट पंच का उपयोग किसके, अब देखिए देखिए भाई एक बात समझिएगा, नाम ही से पता चल रहा है डॉट पंच, नाम से क्या पता चल रहा है डॉट पंच। जैसे कि मान लीजिए मुझे, जैसे मान लीजिए मुझे यहां पर, जैसे मान लीजिए ये एक जॉब है और मुझे यहां पर एक होल करना है, तो मैं इस पर ड्रिलिंग करूंगा भाई, पहले मैं इसको क्या करूंगा, ड्रिलिंग करूंगा, मतलब छेद करूंगा, सीधे सीधी बात है, ड्रिल को क्या बोलते हैं छेद। तो भाई मैं इसको पहले, इस पे पहले मैं यहां पे क्या मारूंगा, डॉट मारूंगा ताकि निशान पहचान सकूं, निशान पहचानना, ठीक है। तो मैं जब यहां पर डॉट मारूंगा तो यहां पर डॉट मारने से क्या होगा, फिर मैं इसके बाद ड्रिलिंग कर सकता हूं, फिर मैं इसके बाद क्या कर सकता हूं, ड्रिलिंग कर सकता हूं। तो आपको यहां पर बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, लाइनों को चिन्हित करने के लिए नहीं, याददाश्त हेतु निशान बनाने के लिए बिल्कुल, जॉब को पकड़ने के लिए ये वाली बात भी नहीं है, छिद्रों को पता लगाने के नहीं, याददाश्त हेतु निशान बनाने के लिए, ठीक है भाई। आप टू मार्क फॉर द मेमोरी, भाई अगर मैं यहां पे मार्क करूंगा तभी तो मैं यहां पे निशान बनाऊंगा। आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, जैसे बहुत सारे जो, जैसे जो मैकेनिक होते हैं वो क्या करते हैं, डॉट मार देते हैं, डॉट मार के क्या होगा, फिर आप वहां पर उसको छिद्रों की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। चलिए केंद्रक छिद्रक सेंटर पंच, अब देखो बच्चे सेंटर, अब जैसे आप यहां पर देखें, यहां पे आपने सेंटर मार दिया है ना, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने सेंटर पे पंच मार दिया है ना, सेंटर मार दिया, अब इसका कोण पूछ रहा है आपसे, क्या कोण पूछ रहा है आपसे, सेंटर का कोण पूछ रहा है, सिंपल सा कितना होगा बच्चे बोलो, एक ट्रिक है ये, समझ लीजिए ये ट्रिक है आपकी, ये ट्रिक आप ऐसे बना सकते हैं कि अगर आपको याद ना हो कि केंद्र कोण का जो आपका मान होता है वो बच्चे कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ये ट्रिक है आपका। आप अगर आप अभी भूल जाते हैं, लेकिन इस क्लास को करने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि सेंटर पंच, सेंटर पंच क्या है बच्चे, ये वाला याद रखिएगा, सेंटर पंच, ठीक है। तो ये कभी भूलेंगे आप लोग,
बोलिए, भूलेंगे कभी? कमेंट करके बताइए, कभी भूलेंगे? है भाई, यस नो के साथ कमेंट करके। हाँ, एंगल प्लेट। देखो बच्चे, ये वाला आपका सवाल अच्छा है। क्या पूछ रहा है? एंगल प्लेट। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपसे सबसे शुद्ध लोहा भी पूछेगा सवाल में, है ना भाई, अभी एंगल प्लेट के बारे में आपसे पूछते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध लोहा आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे? सबसे शुद्ध लोहा क्या आंसर देंगे? तो ध्यान रखिएगा, रॉट आयरन। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए क्रेन का हुक किसका बना हुआ होता है ना, तो सबसे शुद्ध लोहा किसका बना हुआ होता है बच्चे? रॉट आयरन का। ऐसे देखिए, ऐसे मतलब आप रॉट आयरन की आप शेप देख लीजिए कैसे, क्रेन का हुक है ना भैया, तो ये ऐसे वाला होता है ना, ये जो लोहा होता है ना ऐसा वाला, आपने देखा होगा जो ट्रेनों में जो ट्रेन फंस जाती है तो उस तरीके से जो क्रेन का जो हुक बना होता है वो रॉट आयरन का बना होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या देंगे, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। 12वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये बच्चे कास्ट आयरन का बना होता है या कास्ट स्टील का, ये जो बना होता है ये कास्ट आयरन और ये कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है ना, और जो आपकी जॉ प्लेटें होती है ना, जॉ प्लेटें वो भी कास्ट आयरन की होती है। पता क्यों? क्योंकि इनको दबाने के लिए बड़ा मतलब काफी एडजस्टेबल होता है, मतलब ये किस लिए? दबाने के लिए अच्छा रहता है ये। और जो जॉ प्लेटें होती ना, जो फिक्स जॉ है, वीडियो रुक रहा है बराबर, जरा देख लो वीडियो रुक रहा है क्या? ये कल भी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है, देखना जरा सही है, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लो यार, फालतू का यार कमेंट कर रहे हो कि सर दिक्कत है दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सीबीटी वन में थ्योरी नहीं आएगी, अरे मेरा बाबू, सीबीटी वन में थ्योरी नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को ये बताइए, अगर मान लीजिए आपसे ये सवाल पूछेगा तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना भाई, अगर आपसे फायर के बारे में पूछ रहा है तो फायर का ये पूरा डिस्कस होना चाहिए, हाँ या नहीं? कमेंट करके बताओ। अगर मान लीजिए आपसे क्लास ए की फायर पूछ लिया तो वो किस कैटेगरी की होती है, बुझाने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना, मतलब इतनी चीजें तो कम से कम आपके पास एक्सप्लेन होनी चाहिए ना, हैं? चलिए, यहां पर एंगल प्लेट तो कह रहा है एंगल प्लेट में झिर्रियां कटी होती हैं, इन्हें किस लिए बनाया जाता है, मतलब झिर्रियां जो कटी होती है एंगल प्लेट में, झिर्रियां वो कटी होती है इन्हें किस लिए बनाया जाता है? भार कम करने के लिए, जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्लैंप, क्लैंप का मतलब होता है बच्चे पकड़ना, याद रखना, क्लैंप का मतलब क्या होता है? पकड़ना। ठीक है, सुंदरता के लिए, देखो कोई भी चीज आप अगर इंजीनियरिंग में जाएंगे है ना, तो सुंदरता के लिए तो काम वहां पे आप एकदम काट दीजिए, कोई भी इंजीनियरिंग में कोई काम होता है तो वो सुंदरता के लिए नहीं होता है। ठीक है, उपयोग में से कोई नहीं काट दिए। चलिए, भार कम करने, जॉब नट को बोल्ट को क्लैंप करने के लिए एंगल प्लेट। बोलिए, 13वें नंबर के सवाल का आंसर आप लोग क्या देंगे? तो बच्चे 13वें नंबर का जो सवाल है उसका जो आंसर आपका हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, हाँ ये थ्योरी है बच्चे, थ्योरी तो हम, अब यार तुम ऑब्जेक्टिव कब करोगे? थ्योरी करने के बाद ही तो करोगे। तो याद रखिएगा, एंगल प्लेट का जो यूज होता है, मतलब जो एंगल प्लेट होता है वो बच्चे आपको नट बोल्ट द्वारा क्लैंप करने के लिए, जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्लैंप करने के लिए, यानी कि टू क्लैंप द जॉब विद नट एंड बोल्ट, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सर लैब टेक्निकल के लिए भी क्लास है क्या ये प्लीज? नहीं, लैब टेक्निकल के लिए नहीं। अब ये ऊपर क्या लिखा है, ये इसी की क्लास है। ठीक है, जहां फिटर आपका आएगा तो वहां पर आपका ये सेगमेंट पूछा जाएगा। अब भाई देखो, थ्योरी आप कह रहे हो, सर थ्योरी क्यों करा रहे हो? तो बच्चे यार ये तो मुझे बहुत अजीब बात लगी, अगर मान लीजिए एक मीटर में डेसीमीटर पूछा है तो मेरे बाबू ये बताओ, अगर वो उसके मन में आए वो एक हेक्टोमीटर में एक मीटर पूछ ले, तब वहां पर किसी का मुंह ताकोगे क्या? है वहां पर क्लास में किसी का मुंह ताकोगे क्या? तो मैंने इसलिए पूरा आपको बता दिया। तो भाई ऑब्जेक्टिव थ्योरी से तो आती है।
अब आप कहोगे सर पाकिस्तान निकला तो इंडिया से, तो वही वाली बात तो है। ठीक है चलो भाई अगला आपका सवाल है यहां पे स्मॉल, देखो भाई नाम से देखो स्मॉल छोटा होल गेज है ना, कब प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, होल की गहराई मापने के लिए। ITS जफर ऑफिशियल सर, लैब टेक्नीशियन के लिए भी क्लास है क्या प्लीज। बच्चे देखो लैब टेक्निकल के लिए अलग सिलेबस होता है, तुम पहले अपना सिलेबस तो डाउनलोड करो यार। अब सभी लोग आंसर दिए, थोड़ा सा भाई तेजी के साथ भगाया जाए भैया। तो बच्चे देखो, नहीं यार भैया मेरे देखो स्मॉल होल गेज का प्रयोग जो होता है वो होता है होल का डायमीटर यानी कि व्यास, ये वाला डायमीटर ऑफ द होल। ठीक है सब लोग 14 का ए दे रहे हैं, बट इसमें 14 का बी हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा 14 का बी, क्लियर है, ए नहीं होगा भाई 14 का बी हो जाएगा। आप थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, इसको बफरिंग हो रहा है भाई, देखो जा भाई बहुत देर से कमेंट आ रहा है, कल रात में भी ये प्रॉब्लम था। टेक्निकल टीम को बोलिए क्लास करने के लिए फिर से रुक रहा है सर। चलिए टेलीस्कोप गेज चेक करती है क्या बताइए। अब आप लोग चाहते हैं कि सर ज्यादा डीप में ना घुसा जाए तो भाई टिकमार वाला चला जाए, तो बच्चे उससे बच्चे आपका एग्जाम में भला नहीं होगा, बात समझ रहे, बताइए टेलीस्कोप गेज का प्रयोग क्यों करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों को इंटरनल साइज का माप लेना है, अगर आपको इंटरनल साइज का माप लेना है तब आप लोग टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करते हैं। टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करते हैं अंदरूनी साइज मापने के लिए, कौन सी साइज मापने के लिए, अंदरूनी साइज मापने के लिए आप लोग किसका प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोप गेज का, कमेंट करके बताइए, ऐसे नहीं जब तक सभी लोग कमेंट नहीं करेंगे कि जो टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करते हैं वो इंटरनल साइज मापने के लिए करते हैं। ठीक है हाँ या ना जल्दी बताइए। अच्छा एक वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 1/12 या 5 मिनट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर इसका यूज क्या करते हैं बच्चे, कोण मापने के लिए काम आता है, कोण मापने के लिए काम आता है, कौन सा फिर, इसमें देखो 1/12 नहीं है बच्चे तो ये आपका 5 लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है बच्चे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है समझ में आ गया, कमेंट करके बताओ यार। चलिए अब आपको बताना है यहां पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापन उपकरण है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है बच्चे डायरेक्ट, मतलब आपको मापन करने के लिए, तो साइन बार का बच्चे इसको, इसका यूज जो होता है कोण मापने के लिए, कभी आप लोग समझें। ठीक है कैलिपर भी कई सारे होते हैं, कैलिपर भी बच्चे कई सारे होते हैं, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, कई सारे। ठीक है तो बताइए 17वें नंबर का आंसर आप लोग क्या देंगे। तो बच्चे जो वर्नियर कैलिपर होता है बच्चे ये प्रत्यक्ष का होता है यानी कि डायरेक्ट, मतलब बताए क्यों, क्योंकि देखिए कई सारे होते हैं, कौन कौन से लिख लीजिए, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, ये बच्चे क्या हैं इसके टाइप्स ऑफ कैलिपर। ठीक है बात समझ में आ गई, चलिए जल्दी बताइए वर्नियर कैलिपर का, बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्नियर कैलिपर मीट्रिक का आपको बताना है क्या
अल्पतमांक यानी कि आपका लीस्ट काउंट, इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। बोलिए 18वें सवाल का आंसर। हाँ बोलिए 18वें नंबर का सवाल का आंसर आप लोग क्या दे देंगे बच्चे, तो याद रखिएगा 0.01 mm। याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का है ना, ठीक है क्लियर है। चलिए गैस सिलेंडर में एसिटिलीन संचित होती है, मतलब एसिटिलीन बच्चे गैस होती है आप जानते हैं, फलों को पकाने के लिए भी बच्चे कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है, कभी आपसे पूछ ले अगर मान लीजिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए भी एसिटिलीन गैस का। बोलिए तो बच्चे ये द्रव के रूप में होता है, आप समझ गए ना भैया, सीधी सीधी बात है यार, गैस के रूप में थोड़ी ना होगा ये बच्चे, आपके द्रव के रूप में होता है, लिक्विड स्टेट में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ सिंपल माइक्रोमीटर का लिखो बच्चे। हाँ माइक्रोमीटर का अगर पूछ ले मान लीजिए यहां पे, तो आप दे सकते हैं 0.1 mm, बस इतना फर्क होता है। ये दो पूछता है माइक्रोमीटर का, मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले तो आपसे बता सकते हैं, माइक्रोमीटर का पूछ, वर्नियर का पूछ ले तो आप बता सकते हैं, क्लियर है ना भाई, ये दो सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, क्लियर हो गई। चलिए 20वां सवाल आपके सामने है, कह रहा है निम्न से कौन सी ज्वाला गैस कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है, कटिंग के लिए। तो आप जानते हैं जब भी अगर मान लीजिए आग पकड़ने के लिए या कोई भी के लिए आप किस चीज का प्रयोग करते हैं, 20वें नंबर का सवाल आपके मन में क्या आएगा, तो बच्चे उदासीन, नहीं उदासीन में क्या होता है ना बच्चे, 1:1 होता है, ठीक है। कार्बोनियस फायर ये भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन, हाँ बिल्कुल ये वाली ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है ना, इसमें ज्वलन की मात्रा तेज होती है, ठीक है, तो यह भी आंसर आपका नहीं होगा। चलिए बताइए अगला वाला 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे आप लोग, तो यहां पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सोल्डर करना कठिन है, सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है, सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है, तो ये निकिल है, निकिल, ठीक है। तांबा प्लस टिन का, ठीक है। चलिए फोर्जिंग में पंच का प्रयोग क्यों किया जाता है, है भैया फोर्जिंग में पंच का प्रयोग क्यों जाता है, जिससे भैया आप उसको आसानी से उसमें ड्रिल कर सकें, क्या बच्चे इसमें आएगा, आसानी से ड्रिलिंग करने के लिए, तो गर्म धातु में सुराख करने के लिए, यानी कि टू मेक होल एट हॉट मेटल। भाई आप किसी के अंदर सुराख कब कर पाएंगे, जब वो गर्म रहेगा भाई, गर्म चीजों में तभी तो आप सुधार मतलब उसमें छेद कर पाएंगे। फोर्जिंग में प्रयुक्त पंच तथा ड्रिल धातु बनाए जाते हैं, बताइए फोर्जिंग में प्रयुक्त जो ड्रिल बनाए जाते हैं बच्चे, वो कार्बन स्टील के, मतलब नाम मात्र कार्बन होना चाहिए, आप समझिए, मतलब कहने का मतलब है कि नाम मात्र कार्बन होना चाहिए, मतलब जो कार्बन की मात्रा जो है, कार्बन की जो मात्रा है वो बच्चे आप लोगों को नाम मात्र रखनी है, नाम मात्र का मतलब 0.8, नाम मात्र का मतलब 0.8। और याद रखिएगा कभी कभी एग्जाम में 0.9% भी आ जाता है, तो बच्चे आप लोग वो भी रख सकते हैं ना भैया, कभी कभी एग्जाम में आपसे अगर पूछ लेगा तो वो भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। बहुत कम अगाध बटना और तनता वाहक द्रव को क्या कहा जाता है भाई बताइए, तो आप जब जानते हैं कि बहुत कम अगाध बटना या तन्यता वाले बच्चे, आप जब उनको तोड़ेंगे ना तो वो टूट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टूट जाते हैं, यानी कि ये आपके ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं, यानी कि ये ब्रिटलनेस होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं,
कमेंट करके, ठीक है। चलिए आपको पता है गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए पतली चादरों के रूप में समतलीकरण किए जाने की क्षमता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? बोले भाई 25वें सवाल का आंसर तो याद रखिएगा बच्चे, अघाध वर्धना बोलते हैं। सबसे ज्यादा अघाध वर्धना किसने पाई जाती है बच्चे? सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता किसमें होती है बच्चे? सोना में। किसमें? गोल्ड में। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? पीट पीट कर झात पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करना। पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तन कर देना, ठीक है। चलिए इस 26वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए भाई, फटाफट जल्दी से एकदम तेजी के साथ। कह रहा है क्या, निम्न कार्बन इस्पात पर कठोर सतह प्राप्त करने पर निम्न में से कौन सी विधि है? तो बच्चे इसे कार्बोनाइजिंग बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं बच्चे? कार्बोनाइजिंग, ठीक है। अब हवा में नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? हवा में ठंडा करना, हवा में ठंडा करना। अगर हवा में ठंडा करने की बात आएगा तो आपसे क्या पूछ लेगा बच्चे? वो आपसे आपसे वो पूछ सकता है नॉर्मलाइजिंग। और आप जान सकते हैं कि जो आप दिवाली का तोहफा है बच्चे, मतलब आप किसी भी कोर्सेज पर एक भारी मात्रा में डिस्काउंट लेकर देख सकते हैं। और आप एक बात जान लीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो बच्चे पीडीएफ के लिए यहां से आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ के लिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या देंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जाए 27वें नंबर के क्वेश्चन का। देखिए कार्य की वजह से आंतरिक दोष तुरंत दूर करने के लिए प्रकरण, हाँ देखिए बच्चे हवा में क्या बोलते हैं बच्चे? इसे हवा स्टील भी बोलते हैं, हवा हवा में, तो इसको नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? नॉर्मलाइजिंग। ये एक सामान्यकरण प्रक्रिया है धातु को बच्चे हवा में ठंडा करने की प्रक्रिया है नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। चलिए 28वां नंबर का क्वेश्चन क्या देंगे, जैसे कह रहा है धातु को काटते समय अचानक लोड का प्रतिरोध करने की सामग्री को क्या कहते हैं? तो बच्चे टफनेस बोलेंगे ना उसे, मतलब वो चीज जो आप किसी को दबाव में दे या काटे वो बच्चे उसका सहन कर सके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टफनेस बोलते हैं। यानी कोल्ड हार्डनेस, रेड और बिटरनेस नहीं बोलते, बिटरनेस तो बेटे भंगुर को बोलते हैं, टूट टूट कर बिखर जाए उसे क्या बोलते हैं? भंगुर, ठीक है। तो टूट टूट कर बिखर जाती है बच्चे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भंगुर, ठीक है। चलिए लेथ मशीन में देखिए बच्चे, लेथ मशीन आप जानते हैं सारी मशीनों के जो काम होते हैं वो लेथ मशीन। लेथ मशीन में उपयोग के लिए घुलनशील तल में तेल तेल रेशु तथा पानी के सार्वजनिक अनुपात क्या होता है बच्चे? तेल और पानी का सार्वजनिक अनुपात क्या होता है बच्चे? तो याद रखिएगा तेल एक पे तो पानी आपका कितने पे? 20 पे। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 1:20। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो भाई 1:20, ठीक है 1:20। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, लेथ मशीन पर जिन औजारों का उपयोग किया जाता है वे सामान्यतः बने होते हैं। और याद रखिएगा आप जब भी आप लेथ पर काम करेंगे ना बच्चे, इसे हम लोग हाई स्पीड स्टील भी बोलते हैं, हाई स्पीड स्टील भी बोलते हैं इसको, हवा स्टील भी बोलते हैं, या हवा स्टील भी बोलते हैं, या हाई कार्बन स्टील। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? लेथ मशीन पर जिस पे आप काम करते हैं बच्चे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई कार्बन स्टील। ये HSS क्यों बने होते हैं? हाई स्पीड स्टील नहीं बच्चे, हाई स्पीड इसे हवा स्टील बोलते हैं, ये नहीं, ये वाला आंसर नहीं है। इसका जो आंसर होगा बच्चे वो ये होगा हाई कार्बन स्टील, ठीक है, ये वाला। हाई स्पीड स्टील को, हाई स्पीड स्टील को हवा स्टील बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि हवा स्टील किसे बोला जाता है तो हाई कार्बन स्टील को, ठीक है। चलिए लेथ मशीन पर जिस असेंबली में औजार होते हैं उसे बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? लेथ मशीन पर जिस असेंबली में औजार होते हैं उसे बच्चे हम लोग टूल पोस्ट बोलते हैं। जहां पर बच्चे आपके जो कई सारे जो औजार होते हैं बच्चे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टूल पोस्ट, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, निम्नांकित में से न्यूनतम संकुचन छूट दी जाती है, मतलब आपको सबसे ज्यादा टॉलरेंस, यहां पर छूट का मतलब होता है बच्चे टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
चलिए बताइएगा 32वें नंबर के सवाल का। तो बच्चे यहां पे आपका ढलवा लोहा, इसे हम लोग कास्ट आयरन बोल, हाँ ढलवा लोहा, ठीक है। चलिए ये वाला 33वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है 33वें नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, टॉलरेंस ऑफ होल, देखिए आपको ना मतलब इन शॉफ्टों में कम मात्रा में गैप रखना है। क्या होता है, कम मात्रा में गैप होना चाहिए, ठीक है। तो क्या रहा है, छिद्र और शॉर्ट में समांतर प्रतिनिधित्व के नीचे चित्र में दिया गया है, इस फिट करने के लिए बच्चे क्या बोलते हैं, इंटरफ्रेंस, यानी कि बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिकरण। क्या बोलते हैं इसको, व्यक्तिकरण, इंटरफ्रेंस फिट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक आधार शाफ्ट में होनी चाहिए जिसका, क्या बोल रहा है आपसे, एक आधार शाफ्ट होती है जिसका निम्न विचलन शून्य हो, ऊपरी विचलन शून्य हो, विचलन का मतलब डेविएशन होता है बच्चा, ठीक है ना, ऊपरी या निम्न या निम्न ऊपरी दोनों शून्य हो। बच्चे बताइए 33 का, तो याद रखिएगा बच्चे इसका ऊपरी वाला मतलब टॉप वाला का, टॉप वाला जो विचलन है बच्चे वो शून्य होना चाहिए। कौन सा बच्चे, टॉप वाला, अपर वाला, अपर डेविएशन इज जीरो, ठीक है। चलिए प्रकाश वर्ष क्या है, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष में तय करता है, बिल्कुल ही बात सही है, मतलब एक वर्ष में दूरी गई प्रकाश वर्ष की दूरी कहलाती है, द डिस्टेंस लाइट इज ट्रेवल इन वन ईयर, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए सिंगल कटाफ पर उपकरण में सिग्नेचर होता है, बच्चे क्या देंगे इसका आंसर, सिंगल बिंदु कटाफ का उपकरण सिग्नेचर में होता है बच्चे, तत्व आपके कितने तत्व होते, 6। ये आपके ऐसे डेटा हैं जो बच्चे आपको फैक्ट याद होनी चाहिए, और बहुत सारे बच्चों को याद भी है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे याद भी है। चलिए 36 नंबर का सवाल आपका क्या है बच्चे, फुल प्रूफ व्यवस्था की सुरक्षा प्रक्रिया क्या कहती है बच्चे, ब्रोचिंग कहलाती है, ब्रोचिंग, ये हम लोगों ने अपनी थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा है कि ब्रोचिंग क्या होता है, है ना, या शेपर क्या होता है, या मिलर क्या होता है, ठीक है। गतिक ऊर्जा का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, आप जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ये बच्चे क्या होता है, मास, ये क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी, ठीक है, तो हाफ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए तो इसका आंसर क्या देंगे आप लोग, यदि भार डब्लू प्रयास, तो यांत्रिक लाभ मतलब मैकेनिकल एडवांटेज, आपको पता है हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी होती है, लोड अपॉन में एफर्ट, कहां पर है भैया ये, लोड अपॉन में एफर्ट, लोड को क्या बोला गया है डब्लू, एफर्ट को क्या बोला गया पी, डब्लू अपॉन पी, भैया बी ऑप्शन, है जी। चलिए इसके बाद आपका ये वाला सवाल तुम लोग मुझे होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, होमवर्क में कमेंट सेक्शन, आपका एक सवाल होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आएगा। और आज के लिए बच्चे इतना ही हम लोग रखते हैं, बाकी फिर कोशिश करेंगे कि, चलिए वैसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग सवाल, ज्यादा सवाल नहीं है बच्चे, तुरंत बच्चे हम लोग इस पर टिक मार, आप मुझे खाली आंसर बताते रहिए फटाफट 40वें नंबर के सवाल, बताइए बोलिए जल्दी से भाई, सभी लोग भाई टाइम हो रहा है, 2 मिनट के अंदर हमें 12 सवाल करते हैं, एक बार बताइए जल्दी से, मोटर गाड़ियों में पहियों की संख्या, बोलिए भाई सभी लोग। तो बच्चे मोटर गाड़ियों में जो पहियों की संख्या, गुड इवनिंग, वो बच्चे भार के आधार पे हम लोग किए करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, टायर में ग्रेड का आधार क्या होता है, मतलब ग्रेड का आधार आपको टायर में पकड़ना है क्या होता है, ठीक है, बोलिए। तो याद रखिएगा वो भार भी होता है, चाल भी होता है, प्रयोग की स्थिति यानी कि उपयोग सभी, और आपके एग्जाम में जो उपयोग सभी आता है ना फिटर में, आपको ज्यादा मात्रा में प्रायोरिटी वहीं पे ही देनी है। चलिए टायर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं क्या, रबर, तार, सूत या उपयोग सभी, जल्दी बोलिए, टायर बनाने के लिए आप लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वही चीज उपयोग सभी, मतलब सूत का, रबर का, टायर का भी, ये सबका, ठीक है। चलिए फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब आपके 41 क्वेश्चन बच्चे आज हो गए हैं, ठीक है, तो अब ये आपका दिवाली का तोहफा है जिसमें बच्चे आप लोग मैक्सिमम चीज देख सकते हैं अपने हिसाब से, बैच आपके पास एकदम परफेक्ट है जिसमें आप ले सकते हैं। अब एक बार कमेंट करके बताओ ये 6 तारीख वाली क्लास तो मैंने आज ले ली, क्या सही लगा, देखो बच्चे एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा भाई हैवी मेरे लिए भी हो जाएगा,
ठीक है, थोड़ा सा हैवी मेरे लिए भी हो जाएगा। और पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, यहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, है ना भाई, तो आप लोग यहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी एक बार सभी लोगों को भाई, थोड़ा सा भाई एक्सप्लेन और टेक्निकल है, टेक्निकल ने 50 क्वेश्चन आप समझते हैं बहुत बड़ी बात होती है बच्चे, टेक्निकल ने 50 क्वेश्चन एक घंटे में ही करा पाना बहुत बड़ी बात है, तो थोड़ा सा आप मुझे कमेंट करके बताइए समझ में आया आप लोगों को, क्यों भाई समझ में आया, तो भाई मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए फिर तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो बच्चे ये आपको मिलनी होगी बिल्कुल फ्री एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, सर्च करना है एमडी क्लासेस ऑफिशियल, आपको इस तरीके का ऐप देखने को मिलेगा, और यहां पर आप जैसे ही इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे, ओपन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना नाम मोबाइल नंबर सब कुछ डालकर। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऐप का इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा, जहां पर एक सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम है पीडीएफ क्लास नोट। यहां पर हम यूट्यूब के कराए गए हर एक दिन की पीडीएफ डाल रहे होते हैं, सेक्शन वाइज आपको मिलती है, और हर एक चीज बहुत शानदार तरीके से अपडेटेड होती है। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर पीडीएफ दे दी जाती है। इस सेक्शन में जाके आप जिस भी यूट्यूब की क्लास को कर रहे होंगे उन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो अभी डाउनलोड करें एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप, जहां पर आपको फ्री वीकली टेस्ट और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर चल रही क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।